आर्टिकल 370 हटाएंगे। वेलकम टू मैदान। रेडी फॉर द राइड। तो फाइनली दोस्तों, बेतुत जामवाल की फिल्म क्रैक और यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कर रही हैं ताबड़तोड़ कलेक्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं दोनों ही फिल्मों के अब तक के टोटल इंडियन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रैक फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो बॉक्स ऑफिस पर अपने एक्शन और एक्टिंग से दुनिया भर को दीवाना बना चुके सुपरस्टार बेतुत जामवाल की फिल्म क्रैक को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं। लेकिन आज अपने तीसरे दिन के साथ ही ये फिल्म उन सभी हेटर्स की बोलती बंद कर चुकी है जो कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप बता रहे थे। तो चलिए जान लेते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई या फिर सुपर हिट या फिर फ्लॉप। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदित्य दत्त के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म क्रैक, जिसमें आपको बेतुत जामवाल के साथ साथ अर्जुन रामपाल और नोरा फतेही भी नजर आने वाली है। साथ ही साथ इस फिल्म में हमें एमी जैक्सन भी एक शानदार किरदार में नजर आएंगी। बेतुत जामवाल, जिन्होंने ऑडियंस के बीच अपनी लॉयर फैन बेस सिर्फ अपनी एक्टिंग और एक्शन के दम पर बनाई है और उनकी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को तो खूब ज्यादा पसंद आई है। साथ ही साथ क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की है। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स इस फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म अपने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी एडवांस बुकिंग लेती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बेतुत के धमाकेदार एक्शन और अर्जुन रामपाल के साथ फाइटिंग को देखने के लिए ऑडियंस काफी मात्रा में थिएटर पहुंच रही है। लगभग 2000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन लगभग 5.70 करोड़ रुपए के साथ शानदार ओपनिंग ली थी। तो वहीं दुनिया भर में इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 8.50 करोड़ रुपए की कमाई की। ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले शानदार रिव्यूज की वजह से इस फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में काफी अच्छा होल्ड देखने को मिला और इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5.50 करोड़ की कमाई की। तो वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने दूसरे दिन लगभग 7.50 करोड़ कमाने में कामयाब हुई। जी हाँ, आप सभी को बताते चलें कि अपने पहले दिन की तरह ही इस फिल्म ने दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। हालांकि इस फिल्म का क्लैश आर्टिकल 370 जैसी बड़ी फिल्म के साथ हो रहा है, जिसे ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। लेकिन बेतुत जामवाल, जो कि बॉलीवुड के एक रियल एक्शन सुपरस्टार हैं और खुद अपने दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं, उनकी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती 2 दिनों में ही 12 करोड़ रुपए कमा चुकी है। लेकिन इस फिल्म के आज यानी कि अपने तीसरे दिन के जो कलेक्शन है वो लगभग 6 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, आप सभी को बताते चलें कि इस फिल्म की जो स्क्रीन काउंट है वो काफी ज्यादा कम है और यही वजह है कि ये फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे दिन लगभग 6 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ ये फिल्म अपने 3 दिनों के अंदर लगभग 17 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर टच कर चुकी है। तो वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म आज लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू रही है और ऐसे में ये फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों के अंदर टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। बताते चले आपको कि लगभग 35 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी। तो वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अगर ये फिल्म 80 करोड़ रुपए कमा लेती है तो ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हो जाएगी। फिलहाल इस फिल्म को आर्टिकल 370 से काफी ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है। वैसे अगर इस फिल्म को आपने देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आर्टिकल 370 इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक हिस्टोरिकल कमाई करती हुई नजर आ रही है और ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर रुकने वाली नहीं है बल्कि इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदित्य सुहाल जामले के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म आर्टिकल 370 एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लीड में आपको यामी गौतम, प्रिया मणि और अरुण गोविल नजर आने वाले हैं। यामी गौतम की परफॉर्मेंस तो इस फिल्म में उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। साथ ही साथ उनका एक्शन और उनके इमोशनल डायलॉग्स इस फिल्म में ऑडियंस का दिल जीत रहे हैं। प्रिया मणि भी फिल्म में खासकर अच्छे रोल में नजर आई है। तो वहीं नरेंद्र मोदी के रोल में आपको अरुण गोविंद देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिसने इम्प्रेस किया है वो है अमित शाह का कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर ने, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को तालियां और सीटियां बजाने पर मजबूर कर दिया है। बताते चले आपको कि लगभग 2 घंटे 40 मिनट की इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिल रहे हैं। तो वहीं क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को इस साल की इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बताया है और यही वजह है कि ये फिल्म अपने पहले दिन ऑडियंस के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो
चुकी है। अगर बात की जाए फिल्म के अभी तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 6.15 करोड़ रुपए के साथ शानदार ओपनिंग ली थी। तो वहीं आर्टिकल 370 ने अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 35-40% की ग्रोथ दिखाई और अपने दूसरे दिन इस फिल्म ने 8.9 करोड़ रुपए की शानदार कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर की और इसी के साथ ये फिल्म अपने शुरुआती दो दिनों के अंदर इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 14 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी। तो वहीं अपने तीसरे दिन यानी कि आज भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो काफी अच्छा ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और ये फिल्म आज डबल डिजिट के आंकड़े को टच करते हुए नजर आ रही है और इसी के साथ इस फिल्म के आज के जो कलेक्शन है वो लगभग 10 से 20 करोड़ के आंकड़े को टच कर रहे हैं। हो सकता है कि शाम तक इस फिल्म के कलेक्शन में और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली और ये फिल्म अपने शुरुआती तीन दिनों के अंदर इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। तो वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अपने तीन दिनों में लगभग 35 करोड़ के आंकड़े को भी पार करने में कामयाब हो चुकी है। बताते चले आपको कि यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 मात्र 35 से 40 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई थी। ऐसे में ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो सकती है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर क्रैक फिल्म से काफी बड़ा कॉम्पिटिशन मिल रहा है। तो वहीं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और फाइटर फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अभी टिकी हुई है लेकिन फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है। वैसे अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताओ।